बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स डॉट कॉम। आज हमने स्टार्ट करनी है साइज नंबर 2.8, लास्ट साइज ऑफ चैप्टर नंबर 2.8। ठीक है, इसमें हमने सिंपल पढ़ने हैं ग्रुप्स, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनियोइड ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, कुछ हमने टर्म्स याद करने, उसके बाद हम 2.8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स क्या होते हैं? द क्लेयर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड ग्रुप। अब इसमें पहला हमने पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रुपोइड होता है। क्या कहते हैं उसे? ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ग्रुपोइड क्या होता है? अ क्लोज सेट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुपोइड। क्या होता है? अ क्लोज सेट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टेरिक। एक क्लोज सेट किसके रिस्पेक्ट से? ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम कहते हैं ग्रुपोइड। ठीक है, कि एक हमारे पास सेट है बंद, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है स्टेरिक वाला, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपोइड। ठीक है, उसके बाद है सेमी ग्रुप, किसे कहते हैं? सेमी ग्रुप। अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ सेमी ग्रुप, इज अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होगा इफ, तब होगा सेमी ग्रुप जब इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन ये तब सेमी ग्रुप होगा जब ये क्लोज्ड होगा किस ऑपरेशन के अंदर, इस ऑपरेशन के स्टेरिक जहां पे परफॉर्म होगा तब ये होगा सेमी ग्रुप। और द ऑपरेशन, द ऑपरेशन स्टेरिक एसोसिएटिव, स्टेरिक जो आप ऑपरेशन पर क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा सेमी ग्रुप। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये सेमी ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप। नेक्स्ट है मोनोइड क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोनोइड की। सेमी ग्रुप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ा रही हूँ वो कहते हैं मोनोइड। मोनोइड इज अ एम ओ एन ओ आई डी, मोनोइड। जो मोनोइड है वो क्या होता है उसको भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। मोनोइड की, मोनोइड होता है अम मोनोइड, अ सेमी ग्रुप हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टेरिक अ सेमी ग्रुप हैविंग आइडेंटिटी इन, ये है, ये डेफिनेशन है ग्रुप की, ऑफ इट्स अंडर स्टेरिक इज कॉल्ड ग्रुप। मोनोइड में बताती हूँ मोनोइड क्या होता है। ये पहले ग्रुप की डेफिनेशन है, ठीक है। ये ग्रुप है सेमी ग्रुप के अंदर वाला, वो दूसरा ग्रुप था, ये ग्रुप है सेमी ग्रुप के अंदर वाला, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ी सी, आप अंडरस्टैंड कर लेना। अब आते हैं, अब हम लिखते हैं मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, ठीक है। मोनोइड होता है अ सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी, अ सेमी ग्रुप हैविंग
एंड आइडेंटिटी, वो सेमियोसिस को आइडेंटिटी हो, वो क्या कहते हैं मोनोइड। अब आते हैं अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं, अबेलियन ग्रुप, वो कह रहे हैं इट इज अ ग्रुप जी सेटिस्फाइड कंडीशनल कंडीशन। वो कह रहे हैं इट इज अ ग्रुप जी सेटिस्फाइड एन एडिशनल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी ए एंड बी, जो किससे बिलोंग करें, बी एंड ग्रुप से बिलोंग करें, जैसे कि ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, ये परफॉर्म हो, देन जी इज कॉल्ड अबेलियन या कम्युनिटेटिव ग्रुप। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहले ग्रुपॉइड क्या होता है, कह रहे हैं अ क्लोज सेट, एक क्लोज सेट ब्रैकेट में क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस में ऑपरेशन परफॉर्म और स्टेरिक वाला, उसे हम कहते हैं ग्रुपॉइड। कह रहे हैं सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप कौन सा, नॉन एम्प्टी सेट में जो भरा हुआ सेट हो इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होगा तब जब इट इज अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन है, जब वो एस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और द ऑपरेशन होगा एसोसिएटिव होगा। ठीक है, उसे वो कह रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप अकेमिक ग्रुप हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टेरिक, जो इनवर्स की वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं। मोनोइड का होता है सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी, जिस सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी होगी वो क्या कहलाएगा मोनोइड कहलाएगा, उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप। इट इज अ ग्रुप सेटिस्फाइड एन एडिशनल कंडीशन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, जब हमारे पास ए स्टार बी बी स्टार ई के इक्वल आ जाए वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन को आपने रटना है, बट आपको फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए पांच डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.8 और क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ थे हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 का, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे थे। इसे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन प्लस परफॉर्म्स ऑन टू नंबर सेट G इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 इज शोन इन द एडजॉइनिंग टेबल। ठीक है, मैंने क्या बनाया आपको बना के दिखाती हूँ, बताना क्या चाह रही हूँ बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट तो कह रहे हैं ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ पॉजिटिव, उसे तो कह रहे हैं एक मेरे पास जीरो और एक मेरे पास क्या है वन, यहाँ भी वन है जीरो है और फिर है वन। ठीक है, जीरो वन वन जीरो। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के वो कह रहे हैं उन्होंने तीन सवाल पूछे, उन्होंने इसके जवाब दे। ऑपरेशन परफॉर्म्स टू नंबर, दो नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है जीरो और वन का, इस शोन द डिपेंडिंग टेबल टेबल में। अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर, पहला क्वेश्चन है उनका कि नेम आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बताएंगे एग्जिस्ट कर, आइडेंटिटी एलिमेंट पिछले डेफिनेशन पढ़ के आए, वो कौन से होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं मोनोइड। ठीक है, मोनोइड होते हैं, अब उसमें कह रहे हैं कि बताएं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कह लेट कर लें आप पहले कि जी मेरे पास क्या है जीरो ओवर वन, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन है जीरो होते हैं, तो जीरो भी है इसमें, तो क्या है यस लिखें यस आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ वन, ये क्वेश्चन में आ सकता है एमजी ग्रुप में कि वन का इनवर्स क्या होता है। वो कह रहे हैं बताएं वन का इनवर्स इसमें क्या शो कर रहा है, तो कह रहे हैं द इनवर्स
ऑफ वन इज वन, के वन का इनवर्स क्या है, वन ही है। उसके बाद थर्ड में देखें, थर्ड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज द सेट जी अंडर गिवन प्रेशन अ ग्रुप, वो कह रहे हैं इज अ सेट जी, जो सेट जी है वो ऑपरेशन में क्या वो ग्रुप है, इसका आंसर है यस इट इज अ ग्रुप, वो ग्रुप है बिकॉज इट सेटिस्फाई, बिकॉज इट सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस, वो सारी कहीं सेटिस्फाई कर रहा है फॉर अ ग्रुप, एक ग्रुप के लिए। यस ये कह रहे हैं कि इट इज सेट जी अंडर गिवन ऑपरेशन ग्रुप, ये कह रहे हैं क्या ग्रुप है, ये इट इज अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप है बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस फॉर अ ग्रुप, ग्रुप के कंडीशंस की जितनी भी होती है वो सारी सेटिस्फाई कर रहा है ये। फोर्थ में पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन के नेक्स्ट है, वो पूछ रहे हैं क्या बिलियन और नॉट बिलियन, अबिलियन और नॉन अबिलियन, कि ये अबिलियन है या नहीं है। यस इट इज अबिलियन, यस इट इज अबिलियन, बिकॉज वन में जीरो प्लस करो तो जीरो प्लस वन आता है, तो ये सेटिस्फाई कंडीशन कर रही है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये हमारे पास क्या अबिलियन है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं अपना। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू, वो कह रहे हैं द ऑपरेशन प्लस एज परफॉर्म्ड ऑन सेट जीरो वन टू थ्री इज शोन इन एडजॉइनिंग टेबल शो दैट द सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। वो कह रहे हैं तो ऑपरेशन है ना परफॉर्मड हो रहा है सेट 0 1 2 3 पे शोन इन जॉइनिंग टेबल, टेबल पे वो कह रहे हैं बताएं कि वो बिलियन ग्रुप है या नहीं है। कैसे होता है बिलियन ग्रुप, पहले हम देखते हैं कि पहले हम इसका टेबल बनाते हैं, 1 से 3 तक का टेबल है, किसका पॉजिटिव का 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 ठीक है, 0 1 2 3 नेक्स्ट है 1 2 3 टू थ्री जीरो, थ्री जीरो वन और जीरो वन टू, ये टेबल उन्होंने हमें दिया हुआ है ठीक है। अब वो कह रहे हैं बताएं कि ऑपरेशन परफॉर्म ने सेट पे किया है वो क्या ज्वाइंट टेबल है कि नहीं, ज्वाइंट टेबल के हमें कुछ कंडीशंस करनी पड़ती हैं। वो कह रहे हैं पहले कह रहे हैं लेट कर लें आप जी, मेरे पास क्या है जीरो वन टू और थ्री, उसके बाद वो कह रहे हैं फर्स्ट देखें पॉइंट आप कि जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव में रिसोर्व हुआ क्योंकि बिकॉज ईच एलिमेंट इन टेबल
बिलोंग्स टू जी, क्योंकि वो किसमें क्लोज हुआ है, पॉजिटिव में, और जो ईच है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, किससे, कोई फोर वगैरह नहीं आया ना, सारा टेबल बिलोंग कर रहा है किससे, जी से। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव एसोसिएटिव, पॉजिटिव क्या है मेरे पास, एसोसिएटिव इन जी, एसोसिएटिव लॉ है बिकॉज ए बी एंड सी बोथ बिलोंग टू जी और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, सो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड है कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो भी है तो जीरो क्या है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी कंडीशन सही है इन जी, बिकॉज ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए, ठीक है। फोर्थ इनका इनवर्स चेक करते हैं, अब इनवर्स ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट, अब चेक करेंगे हम के एस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट जी एग्जिस्ट, तो इनवर्स हम पहले चेक करेंगे जीरो का, तो इनवर्स ऑफ जीरो इज इक्वल, जीरो का इनवर्स जीरो ही होता है, इनवर्स ऑफ वन, वन का इनवर्स होता है थ्री के इक्वल, के थ्री वैल्यू थ्री के इक्वल। अब नेक्स्ट इनवर्स ऑफ टू, उसका टू के इक्वल ही होता है, इनवर्स ऑफ थ्री, जब थ्री का वन है तो वन का थ्री का क्या हो जाएगा वन। पहले समझाती हूँ मैं आपको ये क्या किया, अगर जी इज अ क्लोज्ड, जो कहें जी हमारे पास क्वेरी प्रॉपर्टी है वो किस तरह है, क्योंकि ईच एलिमेंट टेबल में जो हर एलिमेंट है ना वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो वन से लेकर जीरो से लेकर थ्री तक है, इसके अलावा कोई एलिमेंट हमारा जी में नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। उसके अब प्लस एडिशन प्लस हुई है, तो एसोसिएटिव इन जी, प्लस जो है वो एसोसिएटिव है जी के अंदर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये सेट वैसे आपस में बिल्कुल सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। वो कह रहा जीरो भी इसमें आ रहा है, तो ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका इनवर्स फाइंड करें, जीरो का जीरो इनवर्स होता है, वन का थ्री होता है, टू का टू होता है, थ्री का वन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट चेक करना है फिफ्थ वाला अपना, उसे वो कह रहे हैं कि जी सेटिस्फाई कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर रहा है, कैसे, जैसे कि ए बी बिलोंग टू जी, जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो जी इज अ अबेलियन ग्रुप, जी क्या है अबेलियन ग्रुप, राइट हैंड ग्रुप पॉजिटिव दिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थ्री, हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कह रहे हैं कि For each of the following sets, determine whether or not the set forms a group with respect to indicated operation, ठीक है, मीन्स बाय इंडिकेटेड ऑपरेशन। आप वो कह रहे हैं कि पहले हमारा क्वेश्चन वन उन्होंने इसमें दिया है कि वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब उसमें वो कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन विदर और नॉट द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप, राइट हैंड, क्या वो ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं। अब रैशनल नंबर्स की बात किया, वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर का सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन
इज नॉट अ ग्रुप। रैशनल नंबर का सेट मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं होता बिकॉज इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो का इनवर्स ही होता तो मल्टीप्लीकेशन में इसका रैशनल नंबर का नहीं होता। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, पहले हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास आ गया पॉजिटिव में होल्ड करें। अब वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, वो ग्रुप है एडिशन में, ग्रुप है रैशनल नंबर्स का बिकॉज क्योंकि अगर मैं सी में से माइनस करूं वन तो क्या हमारा ये होल्ड करेगा, ए बी इज प्रॉपर टू की रैशनल नंबर्स, तो ए में प्लस मैं बी करूं तो वो आ जाएगा रैशनल नंबर्स के इक्वल, तो हमारे पास जो क्यू है इज क्लोज्ड राइट हैंड विद रिस्पेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास है सी माइनस टू विद रिस्पेक्ट टू ए बी और सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, तो इसमें वो कह रहे हैं प्लस जो है इज एसोसिएटिव इन क्यू। अब मैं चेक करूंगी सी माइनस थ्री के साथ, तो पहला सी माइनस वन सी माइनस टू, अब आगे सी माइनस थ्री, सी माइनस थ्री में जो कह रहे हैं कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इन क्यू के अंदर, ठीक है, सच डैट ए इज इक्वल टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो प्लस ए एंड इक्वल टू ए, तो सी अब माइनस फोर चेक करते हैं, इसे वो कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन क्यू, रैशनल नंबर क्यू को हम कहते हैं बिलोंग्स टू क्यू, मतलब इनका इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से ही बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू क्यू एंड माइनस ए इज आल्सो बिलोंग्स टू क्यू सच डैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल जीरो विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ए माइनस ए जीरो जीरो एंड जीरो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता रहे हैं कि इसको होल्ड करने के हम यूज करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट और स्पेसिफाइड कंडीशन। उनका सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो वो क्या कहलाता है, वो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो एक ग्रुप नहीं है, मगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक ग्रुप है। याद रखिएगा कि रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं है, मगर रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। कैसे है कि अगर हम सी में से माइनस कर देंगे वन तो हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ये वाली कम्यूटेटिव कि ए में प्लस बी करो तो रैशनल नंबर्स ही आएगा। अब नेक्स्ट अगर हम सी में से माइनस टू कर दें तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर एसोसिएटिव के टी वैल्यूज को हमारे पास दोनों के आंसर किसके इक्वल, एक के इक्वल आ रहे हैं। अब सी में से थ्री माइनस कर तो जीरो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ये वाली कंडीशन होल्ड करती है क्योंकि ए प्लस जीरो इज इक्वल जीरो प्लस ए। अब हमारे पास सी में से फाइनल माइनस फोर करें तो हमारे पास नेक्स्ट आती है इनवर्स की आइडेंटिटी, इनवर्स की आइडेंटिटी हमारे पास होल्ड करती है कि हमें ए में इनवर्स का ऐड करें तो हमारे पास जीरो के इक्वल आंसर नल वेक्टर आंसर आते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर थ्री में वो कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
अब वो क्या रैश नंबर पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं पहले, तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं, यस द सेट ऑफ उनके पॉजिटिव सारे ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव रैशनल बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप बिकॉज सी में से माइनस करें वन तो हमारी प्रॉपर्टी आती है ए बी बिलोंग्स टू क्यू के पॉजिटिव रैशनल नंबर. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्यू का पॉजिटिव रैशनल, मल्टीप्लीकेशन में आज डॉट लगाया मैंने. नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा कि क्यू पॉजिटिव इज क्लोज्ड अंडर दिस साइन अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट है कि अगर मैं करूँ ए में प्लस कर दूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो होल्ड, की भी हमारे पास होल्ड कर रही है इक्वेशन. तो जीरो एसोसिएटिव इन क्यू तो आ जाएगा दिस इज एसोसिएटिव इन क्यू पॉजिटिव. नेक्स्ट के अगर मैं सी माइनस थ्री की बात करूँ, सी माइनस टू था ये, सी माइनस थ्री की बात करूँ तो वन belongs to Q positive and one is an identity element. In Q positive. ठीक है तो such that A belongs to Q positive. A dot 1 is equals to 1 dot 1 is equals to A. Next आता है C minus 4 की बात करें तो S 0 belongs to Q positive and inverse of each element of Q positive exist in Q positive. For example, A belongs to Q positive. So 1 over A इसका inverse भी Q positive belong करेगा. Such that A dot 1 over A is equals to 1 over A dot A is equals to 1. A से अगर A तो 1 is equals to 1 is equals to 1. This is inverse property. ठीक है समझ आ गई है. आसान से क्वेश्चंस हैं. इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर का सेट है वो बिलोंग कर रहा है दो प्रॉपर्टीज से, कि अगर तो वो सी माइनस वन कर दें फर्स्ट में हम कर दें तो क्लियर प्रॉपर्टी आ रही है, सेकंड में हम कर दें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है, थर्ड में हम कर दें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, फोर्थ में हम कर दें तो इनवर्स की वैल्यू आ रही है. बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन है इस तरह. अब इसका पार्ट नंबर फोर बिल्कुल सेम आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर फाइव में आपको करवाती हूँ. फोर बिल्कुल सेम है इसलिए आप बिल्कुल जैसा ही है. वो इंटीजर का सेट है पॉजिटिव में, ये आ गया सेट ऑफ इंटीजर. अब मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन द सेट ऑफ इंटीजर्स with respect to multiplication is not a ये ग्रुप ही नहीं है. ठीक है बिकॉज क्योंकि इनवर्स बिकॉज इनवर्स जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. अब इसका पार्टनर फोर बहुत आसान है खुद करिएगा. मैं ठीक है सिंपल हमने कहा है कि इन कहते हैं इंटीजर का सेट, पहला क्वेश्चन फोर है वो कह रहे हैं इंटीजर का सेट फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव मतलब एडिशन में. एडिशन में आप खुद कर सकते हैं ठीक है
सिंपल तरीका है बिल्कुल, आपने ऐसे करना है, आप खुद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको आएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल मैथ समझ नहीं आएगी। मैथ प्रैक्टिस और दिमाग खाना मांगती है, दिमाग को चलाएं, इतना चला सकते हैं उतना चलाएं, चलाएंगे दिमाग को, थोड़ा करेंगे गलत करेंगे, 10 बार गलत करेंगे यार इन तो सही हो ही जाएगा ना आपका, थोड़ा दिमाग को चलाएंगे तो मैथ आएगा। 4 वाला आप खुद करेंगे ताकि आप दिमाग को चलाएं, आपको मैथ है। 5 वाला जो है वो बिल्कुल इंटीजर्स वाला था, सिंपल था कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं, मल्टीप्लाई में इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते ही नहीं है क्योंकि इसमें इन्वर्स 0 का इन्वर्स ही नहीं होल्ड करता, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, शो दैट adjoining table represent the sum of the elements of the set of the set E and 0, what is the identity element of this set? Show that this set is an abelian group. वो कहना है show that joining table represent the sum of the element. वो कहना बताएं कि table represent कर रहा है element sum का of E and O. Element किसका है? E and O का, sum का, E का और O का, E का और O का. ठीक है, ई ओ और ई। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हम जैसे जानते हैं ई में प्लस करो ई तो किसके इक्वल होता है? ई के, ठीक है। ई में प्लस किया ई तो आ गया ई, 0 में प्लस किया, अब ई में प्लस किया 0 तो क्या आ गया? 0। अब मैंने ई में प्लस किया ई तो क्या आया मेरे पास? 0। 0 में 0 प्लस किया तो क्या आया मेरे पास? ई। मतलब सेम वाले जो होंगे वो एक ही इक्वल आएंगे, डिफरेंट वाले 0 के इक्वल, ठीक है। उसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कह रहे हैं ई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है इन E0 में और E0 में। ये बिलियन ग्रुप है क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। इट इज अ ग्रुप बिकॉज, वो बिकॉज हम सारा यहाँ शो करते हैं क्यों है। पहले हम देखते हैं कि C-1 में होल्ड कर रहा है या नहीं। -1 में देखते हैं, C1-1 में all elements in table belongs to, वो कह रहे हैं टेबल में इतने भी एलिमेंट्स हैं इससे बिलोंग कर रहे हैं, यस। तो क्या कहलाएंगे कि E0 is closed under positive, ठीक है। अब C-2 देखते हैं, तो कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ एस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ई ओवर 0 में, तो
सोसाइटी ब्लड एडिशन का हो रहा है तो इस सोसाइटी, ठीक है। अब हम सी माइनस थ्री फाइंड करते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। सी में कह रहे हैं इज डेंटी एलिमेंट, इन ई बाय जीरो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, हमने पहले हमने क्या चेक किया कि हमने क्या एबी सारे बिलोंग करते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे हमें चेक करना था कि वो सोसाइटी प्रॉपर्टी है, वो भी है, वो भी चेक। तीसरे हम क्या चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। फोर्थ हम क्या चेक करते हैं, उसका इनवर्स। अब हमने चेक करना है इनवर्स ऑफ ई का, इनवर्स ई ही होता है तो, और इनवर्स ऑफ जीरो का इनवर्स भी जीरो ही होता है। तो इसका इनवर्स शो कर रहा है कि बिलोंग कर रहा है e बाय जीरो से। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फिफ्थ वो कह रहे हैं एज, जैसे हम जानते हैं कि e में अगर हम जीरो प्लस करें तो जीरो प्लस e के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड। तो जिस वो जो वो शो कर रहा है कि ये e जीरो इज अबेलियन रूट, ठीक है। e जीरो हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। सिंपल हमने ये शो करना था, हमने कर लिया। पहले हमने इसमें क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि जो हमने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं वो क्या e और जीरो के एलिमेंट्स में हैं। मतलब हमने पहले चेक करने के जो हमने एलिमेंट्स आए हैं वो इसके सेट के अंदर हैं, वो सेट वाले ही हैं। अगर वो सेट वाले हुए तो वो हमारे पास कह देंगे क्लोज्ड अंडर है, ठीक है। नेक्स्ट में आपने चेक करना है कि सोसाइटी लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि वो सोसाइटी लॉ होल्ड कर रहा है ना, तो वो यहाँ तो वो पॉजिटिव में हो गया नेगेटिव, वो यहाँ तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव में। फिर हमने चेक करना है होल्ड कर रहा है, अगर तो होल्ड कर रहा है फिर वो ग्रुप पे, अदरवाइज नहीं है। थर्ड में आपने चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट्स में है कि नहीं है, तो ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट था। फोर हमें चेक करना है उसका इनवर्स फाइंड, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके इनवर्स फाइंड करने हैं। मेरे पास दो एलिमेंट्स थे ई और जीरो, में दोनों के इनवर्स फाइंड कर लिए। फिर बता दें कि बिलोंग कर रहा है कि अगर उसके इनवर्स भी उसके अंदर वाले के इक्वली आए तो हमें बता देना है कि ये बिलोंग कर रहा है उस सेट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में आपने देखना है कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव में हमने इस तरह करना होता है कि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो हमारे पास चेक करना है कि दोनों के अंदर दूसरे के इक्वल हैं, तो थर्ड कम्यूटेटिव है। अदरवाइज अगर पांच कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तुम्हारे पास ये होगा अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज हमारे पास अगर एक भी इसमें से हमारे पास नहीं प्रॉपर्टी सही, तो अबेलियन ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमने करना है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। शो डैट द सेट 1 W का स्क्वेयर व्हेन W का क्यूब इज इक्वल टू 1 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। वो कह रहे हैं शो सेट, सेट हमने बनाना है, एक हमें टेबल बनाना है इसका विद जिसमें हमारे पास W टू किसके इक्वल होगा 1 के ऊपर इज एन अबेलियन ग्रुप राइट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बनाते हैं हम, लेट कर लें जी। मेरे पास क्या है 1 W और W 2। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लिकेशन, टेबल ड्रॉ करेंगे हम। मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 है, W है और W का स्क्वायर है, 1 है, W है और W का स्क्वायर। अब देखें 1 1 जा 1,
डब्ल्यू वन जा डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वेयर वन जा डब्ल्यू स्क्वेयर नेक्स्ट वन डब्ल्यू जा डब्ल्यू 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 जा डब्ल्यू का स्क्वेयर डब्ल्यू टू और डब्ल्यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री हो जाएगा डब्ल्यू थ्री किसके इक्वल है वन के तो यहाँ आ जाएगा वन नेक्स्ट वन डब्ल्यू स्क्वेयर जा डब्ल्यू का स्क्वेयर डब्ल्यू 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 थ्री हो जाएगा डब्ल्यू थ्री इक्वल टू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू डब्ल्यू टू फोर हो जाएगा तो डब्ल्यू फोर में से डब्ल्यू वन माइनस करें तो आ जाएगा डब्ल्यू ठीक है अब हम देखेंगे नाउ अब हमने फाइंड करना है कि बिलियन ग्रुप है कि नहीं है पहले हमने क्या चेक करना है कि एलिमेंट सारे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं बिलोंग कर रहे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था कि एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एज ऑल एलिमेंट्स इन टेबल बिलोंग्स टू जी पहली कंडीशन हमारी सही है कि सारे टेबल जो जी से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है तो लिख दें जी is closed under multiplication done अब next हमें check करना next हम क्या check करते हैं associative वाला तो कह रहे हैं operation multiply is associative because associative है क्योंकि a b C belongs to G जब A dot B dot C is equals to A dot B dot C सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं हम वो कह रहे हैं आप चेक करना है हमने कि आइडेंटिटी है कि नहीं है तो वन हमारे पास है तो वन हमारे पास क्या आइडेंटिटी वन belongs to G is एन आइडेंटिटी एलिमेंट नेक्स्ट 4.5 करते हैं हम क्या करते हैं इनवर्स अब पहले हमने फाइंड करना है वन का इनवर्स इनवर्स ऑफ वन वन के इक्वल होता है फिर हम डब्ल्यू का इनवर्स फाइंड करना है इनवर्स ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल होता है डब्ल्यू के स्क्वेयर के तो इनवर्स ऑफ W का स्केयर वो होता है W के इक्वल क्योंकि W का स्केयर W के इक्वल आ रहा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमने 5 पे हम क्या करते हैं पहले हम नीचे लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू G कि जितने भी हमने इनवर्स फाइंड किया है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू G ठीक है अब हमने फाइंड करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही अब हमने कहना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है होल्ड मल्टीप्लीकेशन बिकॉज जी बिकॉज एंगल ए बी बिलोंग टू जी जबकि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए ठीक है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि G इज इक्वल्स टू वन W और W का स्क्वायर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ठीक है सिंपल सा प्रोसेस था हमने इसको सॉल्व कर लिया अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं इफ जी वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 इफ जी इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टेरिक एंड ए बी बिलोंग टू जी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू बी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है. लॉन्ग शॉट दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हिलो होल बोर्ड में 2010 में आया है, ठीक है. अब फिर स्टार्ट करते हैं इसका. हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है. तो ए का इनवर्स स्टेरिक ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू ए का इनवर्स स्टार बी. अब ए का इनवर्स लूं मैं तो स्टार ए स्टार एक्स, ठीक है. अब ए स्टार एक्स बी हमने किया तो किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, ए इनवर्स स्टार बी. मैंने क्या किया, मैंने ए को स्टेरिक लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से और इस एक्स को बाय निकाल दिया. फिर ये हमारे पास होता है बाय, ये मैंने किया है बाय एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ से मैंने किया, ठीक है. एसोसिएटिव लॉ से मैंने किया. उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी कि इसको मैं इनवर्स को कर दूंगी इसके इक्वल ई के, तो आ जाएगा स्टेरिक एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी. ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी होता है इसकी वैल्यू ही, तो सिंपल मेरे पास ये आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, नाउ एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू बी, एक्स स्टार ए स्टार इनवर्स ले लिया मैंने यहाँ पर भी और बी स्टार इनवर्स ले लिया यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स मैंने बाय निकाल लिया. फिर वो आइडेंटिटी वाला करूँगी ए स्टार ए इनवर्स, या आ जाएगा बी स्टार ए इनवर्स. ये हमारे पास बच जाएगा एक्स स्टार, ये हमारे पास के इक्वल होता है ए ई के, तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए का इनवर्स. अब ये ए तो वन ई तो वन के इक्वल, तो यहाँ बचेगा एक्स इज इक्वल्स टू बी स्टार ए का इनवर्स, तो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन. यही हमारा सोल्यूशन था जो हमने कर दिया कि ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स स्टार ए इज इक्वल्स टू बी, ये दोनों हमारे प्रूव हो गए हैं, ठीक है. हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. वो थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, बट इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे हैं कि शो डैट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए प्लस अंडर रूट थ्री बी ए बी बींग रेशनल इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है. वो कह रहे हैं शो करें सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए प्लस डेल्टा अंडर रूट बी बीइंग रिलेशनल इज एबेलियन ग्रुप. बताएं कि एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. अब ये आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ लाहौर बोर्ड में 2007 में और गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ ये 2007 में, ठीक है. स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है. हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट करने, हमारे पास क्वेश्चन वो क्या कह रहे थे कि हमारे पास उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी थी कि एस हमारे पास किसके इक्वल, ऐड कर लें आप कि आपके पास एस किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस अंडर रूट थ्री बी. यही वैल्यू थी ना जिसमें ए और बी बिलोंग कर रहा है क्यू से, यही क्वेश्चन दी थी. अब पहले हम फाइंड करेंगे सी माइनस वन एज यूजल. सी माइनस वन में क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड्स में वैल्यू सारी हैं कि नहीं है. ए प्लस अंडर रूट थ्री बी सी प्लस अंडर रूट थ्री बी बिलोंग टू जी, ठीक है. अब मैं करूँगी कि ए प्लस अंडर रूट थ्री बी
प्लस सी प्लस अंडर रूट थ्री डी। तो ये आ जाएगी, मैंने दो वैल्यूज दिए, एक मैंने इसको प्लस करके बी ए में डाल दिया, एक को मैंने इसमें करके सी में डाल दिया, एक ए बी एक सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ए प्लस अंडर रूट थ्री प्लस सी प्लस अंडर रूट थ्री डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, अलग ले लो कॉमन, और ये अंडर रूट वाली वैल्यूज अलग ले लो, अंडर रूट कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बी प्लस डी। किससे बिलोंग कर रहे हैं जी, समझ आई ना क्या किया मैंने, पहले मैंने ए बी के साथ मैंने सी डी भी ले लिया, सी डी के बाद मैंने क्या किया इनको खोल दिया, खोलेगा ए और सी अलग ले लिया, और थ्री कॉमन लेके अंडर रूट में बाकी सी बी प्लस डी अलग ले लिया। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि अब मैं लिखूंगी कि जी इज क्लोज्ड राइट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सी माइनस टू में सोसिएटिव चेक करते हैं, करेंगे प्लस इज सोसिएटिव, कि ये सोसिएटिव है इन जी। कैसे है वो हम बताते हैं कि हमारे पास था ए प्लस अंडर रूट थ्री बी, साथ था सी प्लस अंडर रूट थ्री और डी, अब ले लें एक और ई प्लस अंडर रूट थ्री एफ विच इज बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब हमारे पास है कि एक आ जाएगा ए प्लस अंडर रूट थ्री बी साथ सी प्लस अंडर रूट थ्री डी साथ ई प्लस अंडर रूट थ्री एफ। अब हमने क्या करना है, आ जाएगा ए प्लस अंडर रूट थ्री बी प्लस सोसाइटिव, मैंने क्या किया तीन वैल्यू से तीनों को मैंने एक बार दो को उसके साथ बना दिया, फिर तीसरे मैंने क्या किया है कि सी प्लस अंडर रूट थ्री डी प्लस ई प्लस अंडर रूट थ्री एफ। तो ये हमारा हमें शो कर रही है कि हमारी सोसाइटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं है, आइडेंटिटी चेक करते हैं सी में थ्री में, जीरो प्लस थ्री, अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, जीरो प्लस थ्री जीरो बिलोंग्स टू जी सच डेट ए प्लस अंडर रूट थ्री बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जीरो प्लस अंडर रूट थ्री जीरो प्लस ए प्लस अंडर रूट थ्री बी, अब इन दोनों को मैं प्लस करूं तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास सिंपल थ्री बी। वो कह रहे हैं कि ए प्लस अंडर रूट थ्री बी में दोबारा अगर मैं प्लस कर दूं जीरो प्लस अंडर रूट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ करनी है, इधर लेफ्ट हैंड साइड अब ये है राइट हैंड साइड, तो ये भी आ जाएगा ए प्लस अंडर रूट थ्री बी। तो वो कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है दोनों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल थी और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को भी इक्वल रखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके। अब सी माइनस फोर, सो वो कह रहे हैं कि हमें चेक करना है कि इनवर्स फाइंड करना है, ए प्लस अंडर रूट थ्री बी बिलोंग टू जी, अब माइनस ए इसके इनवर्स हो जाएगा माइनस थ्री बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, तो सच डेट ए प्लस अंडर रूट थ्री बी प्लस माइनस ए माइनस अंडर रूट थ्री बी इज इक्वल टू जीरो प्लस अंडर रूट थ्री जीरो। तो कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, किसके हर एलिमेंट में वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। हमारे पास पहले हमने काम ये कर लिया, हम चेक कर लिया कि एलिमेंट्स उसके अंदर है क्लोज में कि नहीं है, हमने चेक कर लिया क्लोज में है, उसके हमें चेक किया सोसिएटिव लॉ, उसके मैंने क्या चेक किया सोसिएटिव, सोसिएटिव है कि नहीं है वो भी है। ठीक है, हमें चेक किया कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है, वो भी चेक किया आइडेंटिटी है। फोर हमने क्या चेक किया उसका इन्वर्स चेक किया वो भी। फाइव हम क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, याद है ना आपको,
हम इसका केस फाइव करना है हमने। इसमें हमने पहले चेक करना है कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो इनवर्स ले लेंगे ए प्लस अंडर रूट थ्री बी, दूसरी वे रहे सी प्लस अंडर रूट थ्री डी। ये दो वैल्यू से ये बिलोंग कर रही है जी से, मतलब के ए प्लस अंडर रूट थ्री बी भी बिलोंग कर रही है जी से और सी प्लस अंडर रूट थ्री डी भी बिलोंग कर रही है जी से। अब ऐसे ही हम करेंगे, इनको प्लस करते हैं, ए प्लस अंडर रूट थ्री बी प्लस सी प्लस अंडर रूट थ्री डी इज इक्वल्स टू ए प्लस अंडर रूट थ्री बी प्लस सी प्लस अंडर रूट थ्री डी। अब ए प्लस सी अलग कर लो, प्लस अंडर रूट थ्री कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बी प्लस डी, एक वैल्यू बन जाएगी सी प्लस अंडर रूट थ्री डी और प्लस ए प्लस अंडर रूट थ्री बी। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस अंडर रूट थ्री बी प्लस सी प्लस अंडर रूट थ्री डी आ गया हमारे पास, सी प्लस अंडर रूट थ्री डी प्लस ए प्लस अंडर रूट थ्री बी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये शो कर रहा है कम्यूनिटेटिव लॉ होल्ड्स इन जी, लिख दें जी इज अबेलियन ग्रुप, कि जी हमारे पास क्या एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एट अपना स्टार्ट करेंगे फर्दर। ओके, क्वेश्चन नंबर एट में देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट में वो कह रहे हैं कि इन कैन डिटरमाइन विदर पी एस एंड स्टेरिक वेयर स्टेरिक स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन is a semi-group, a monoid, or neither. If it is monoid, specify its identity. वो कह रहे हैं डिटरमाइन करें जो पी है एस और स्टेरिक है, वेयर स्टेरिक स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, स्टेरिक इंटरसेक्शन सेमी ग्रुप है, अमोनोइड और निदर, या मोनोइड है सेमी ग्रुप है, दोनों नहीं है। इफ इट इज मोनोइड, अगर मोनोइड है तो बताएं कि सब को आइडेंटिफाई करें, लेट पी एस एंड स्टेरिक ये हमारे पास इज मोनोइड बिकॉज। अब पहले हम चेक करते हैं मोनोइड के स्टेप्स क्या था, सी माइनस वन सी माइनस टू वाले सी माइनस वन के हमारे पास जो ए है और जो बी है वो बिलोंग कर रहा है पी और एस से, और जो ए स्टेरिक बी है वो बिलोंग कर रहा है पी आल्सो बिलोंग्स। तो फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ओवर एस, तो पी एस हमारे पास क्या है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट सी माइनस टू चेक क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम आप बताएं जरा, सोसिएटिव। अब हमने ये करना है, दो नंबर है हमारे पास, एक ए है एक बी है, आके लेट कर ले सी बिलोंग टू पी ओवर एस। ठीक है, अब ले लेंगे ए स्टेरिक बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब इसको लिख दें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस वन। अब लिख दें कि स्टेरिक इज एसोसिएटिव, कि स्टेरिक का एसोसिएटिव है, सिंपल सा। थर्ड स्टेप करेंगे अब हम, उसमें क्या चेक करते हैं आइडेंटिटी, कि एस इज
आइडेंटिटी एलिमेंट इन पी ओवर एस. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ए है वो बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट से. अगर हम ए को स्टार करेंगे एस से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन एस विच इज इक्वल टू ए. या अगर हम एस को मल्टीप्लाई कर दें ए से तो क्या आ जाएगा? एस इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू ए. दोनों एक ही प्रूफ शो कर रहे हैं तो एस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट कन्वर्स एग्जिस्ट इन इट डज नॉट एग्जिस्ट इन पी एस. तो लिख दें पी एस स्टेरिक इज सेमी ग्रुप. ग्रुप नहीं है क्योंकि पांचों नहीं ग्रुप हटे सिर्फ तीन सेमी ग्रुप होगा एंड मोनोइड. दिस इज ऑल योर क्वेश्चन नंबर 8. आसान था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था. सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको इजीली समझ आ जाने चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. अपना स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 9. इसे वो कह रहे हैं कंप्लीट फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन a semi group under steric. Steric a b c a b c. c a b ए बी सी ये दोनों फाइंड करने और ये ए. अब इसको स्टार्ट करते हैं. अब हमने क्या ना सोल्यूशन अगर लेट कर लें एल एम आर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. ठीक है, देन टू ऑब्टेन आ सेमी ग्रुप associative la must be satisfied. वो कह रहे हैं ये हमारे पास कह रहे हैं टेबल है तो बुटेन आपने बताना है सेमी ग्रुप बताना है अपने इसमें. ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेमी ग्रुप बताना है. तो वो कह रहे हैं लेट कर लें एल एम आर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. हमारे पास एल एम लेट कर लें कि दो हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं. आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने एल एम लिया, आप ए बी ले रहे हैं, सी डी ए बी था, ए बी सी आप ए बी सी के अलावा और ले सकते हैं. ठीक है, देन टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप सेमी कंप्लीट करने के लिए एसोसिएटिव लॉ मस्ट बी एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ को होना चाहिए लाजमी. फर्स्ट क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए को मल्टीप्लाई कर दें ए से, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ए लगा दें विच इज इक्वल टू ए स्टार यही है ना. इसको लेट कर लें कि ए स्टार ए किसके इक्वल है, सी के. ये आपने लेट करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार सी. अब आप कहेंगे जो सी है ना स्टार ए वो मेरे पास किसके इक्वल है, एल के, और जो मेरे पास ए स्टार सी है वो किसके इक्वल है, बी के. ये तो ये सी स्टार ए बन जाएगा एल और ये ए स्टार सी बन जाएगा एम. तो एल इज इक्वल टू एम. अब नेक्स्ट आल्सो A star A star B is equals to A star B. अब इस दोनों को रख लें C के इक्वल, A star A is equals to C. तो जगह C star B is equals to A star A. तो ये हो जाएगा मेरे पास M is equals to C. ठीक है, दोनों के आंसर इक्वल नहीं है तो बी सी आर रिक्वायर्ड एलिमेंट. तो लिख दें बी सी आर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. सांस से कॉन्सेप्ट से आपने पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी लगानी, सोसाइटी प्रॉपर्टी लगानी है, आपने चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बाइनरी रिलेशन के अंदर. फिर आपने बताना है कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो बाइनरी रिलेशन में सबने मल्टीप्लीकेशन हो तो दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, वो अपने कैसे होल्ड करती हैं, आपने स्टेप्स देखने हैं 1 2 3 C 4 वाले जो आपको करवा के आई हूँ. सिंपल
क्वेश्चन नंबर 9 तक तो आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें वो कह रहे हैं प्रूव दैट 2 मल्टीप्लाई 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल फील्ड फ्रॉम अ नॉन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, आपने 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स लेनी है, अपने लिए ए बी सी डी ले लें 2 बाय 2 की, फिर आप रख लें ए वन ए टू बी वन बी टू रख लें, फिर इन दोनों को होल्ड करेंगे वो क्लोज है कि नहीं है, फिर आप चेक करें एसोसिएटिव है कि नहीं है, फिर आप चेक करें आइडेंटिटी है कि नहीं है, फिर उसका इन्वर्स चेक करें, लास्ट व लास्ट आपने क्या फाइंड कर देना है उसका कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है। बस ये 5 स्टेप आपने परफॉर्म करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, वो आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।